नमस्कार दोस्तों, हम बानी प्रतिभावान विद्वान क्रांतिकारी युवा और का कहल जाओ प्रखर वक्ता मनीष कश्यप जी के साथ। और हमरा याद आता कि हम आज से 15 साल पहले जब देवघर में शूटिंग करते रहे तो वहाँ पवन सिंह शूटिंग करते रहें। पहले वही ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो गाड़ी ले रहे तो कहले कि भाई चलो बहुत दिन काम कैले बनी से हमने के संग है गाड़ी आज ले बनी कहे तो उनका बोलेरो गाड़ी एक पहले रहे ओमे भी हम घूम रहनी तो कहले कि चलो तरह के घुमाओ तनी तो हमने के पूरा देवघर घूमल रहनी सन। और आज ब्लैक कलर के लग्जरियस गाड़ी पर दीघा पुल पार कर तनी और मनीष भाई के साथ हम चाहेम कि मनीष भाई लग्जरियस गाड़ी नहीं खे ये गो सिंपल गाड़ी बटे और मतलब कि इंडियन कंपनी के गाड़ी है सबसे बड़ी बात बटे ना, मतलब, आप तो बोल सकते हैं भारतीय कंपनी का गाड़ी है। और हम लोग और आज हमने के कहा जा रहा बनी सने को यहाँ के अनी हमारा यहाँ थोड़ा सा बंदर उंदर लोग रल तो बी आई वी हवेली हमारे नाम धैले बनी हवेली है ना घर है लेकिन हमारा मन रहे कि हवेली में पहले लोग रहे ला हम कहीं कमाएम तो अपन साल हवेली ना बनी तो घरवे के नाम हवेली दे भले भले पलानी कहे ना हो के लेकिन नाम हवेली जरूर रखे नाम हवेली तो बी आई वी हवेली नाम है हमार घर के। और भाई हवेली पे गए रहनी और जैसे रुआ बतावत रहनी कि मतलब कि अगर नाम हवेली बटे तो हवेली जैसा बढ़लो बा। हाँ हालांकि कुछ लोग हवेली के परिभाषा ही रखेला कि 5 किलोमीटर लंबा घर रही फार्म हाउस रही तब हवेली हवेली हुई तो एगो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी अपन हवेली बटे आप और सब लोग के हवेली बा भाई। एगो फुटपाथ पर रहे वाला छोटा सा पलानी बनाओ तो भी अपन नाम हवेली रख सकता है थोड़े बाकी ना रख सकता तो यहाँ के वहाँ हमारा हवेली पर गई रही है तो ई मत समझ लो वाला हम डायलॉग बोलते नहीं कि अह कभी हवेली पर यहाँ बंदर बहुत सारा मिलने हैं और जो हमारे दोस्त हूँ हम करके बंदर ना कहनी लेकिन अभी बताओ तनी रुवे लोग के बंदर लोग से मिल कर रुरा कैसा लगा ना बहुत अच्छा लागल। और बंदर के एगो परिभाषा हमनी के गढ़ देला बहिन सब कि बदमाशी जे करेला ओकरा के नाम हमनी के बंदर कि बंदर खानी करता बंदर मत बनो उछल कूद। हां उछल कूद तो ई चीज ई बंदर कैसा लागल बहुत अच्छा मतलब कि अब एकर कोनो परिभाषा तो बा ना अगर हम कहम तो लोग कहे कि बनावटी बात बोलता रन तो वीडियो तो अपने माने लोग देखी जोन हमनी के शूट कइले बहिन सब और वीडियो सच तक पर आई मनीष भाई शूट के लिए देखे हम लोग। और हमने के हाथ में बहुत सारा फल फ्रूट्स लेके गए रहनी हसा ओकरा पास से बिस्किट लेके गए रहनी हसा जब कुछ छोट छोट बच्चा और बड़ बड़ और एक दू गो बदमाशों में रहलो दू बदमाश रहलो जो ना जात रहलो सन तो सारा छोटका बंदरवा जोन बाटे ना वो भाग जात रहलो सन तो कुछ बदमाशों रहलो सन लेकिन कोनो नुकसान ना पहुंचेलो सन केहू के भी कोनो भी प्रकार के प्रेम से हाथ से ले प्रेम से हाथ से ले लेके अगर 4 गो बिस्कुट रख देते रहनी तो 4 ले लेते रहो लेकिन तोड़ के रखत रहनी तो आराम से लेते रहो मुंह में घुस जात लगा बिना तोड़ ले तो तोड़ जात रहो तो खराब हो जात लगा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ का मालूम रहा कि ऑरेंज खा ला सर संतरा संतरा भी लेके आई रहनी तो पता चल लगा कि खट्टा चीज कुछ ना खा ला सर ये का के यहाँ क्या कर देनी कि ऑरेंज और बिस्किट दोनों एक के हाथ में लेते रहनी कहीं ले तू बिस्कुटवा ले लेते रहो ऑरेंज वा ना लेते रहो संतरा ना लेते रहो तब बंदर संतरा ना खाला भैया जैसे बंदर आदि ना खाला अब के ही कहले बंदर का जानो अदरक के अदरक साथ आद के लिखले बा के कहले बा पता ना लेकिन ना खाला सन। लेकिन अभी हमनी के यहाँ कहनी है कि चले के पटना हमनी के कहाँ जा रहल बनी सर हमनी के चल रहल बनी सर एक जगह पे जहाँ पे मतलब गिनीज वर्ल्ड कुछ बोलते हैं बिहार में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार में बन गई बा बन रहल बना ऊपर ऊपर पूरा वीडियो बनी ले रही हां बनाव ले रही। और सबसे बड़ी बात बा कि शिक्षा के क्षेत्र में बनल बटे तो वहां में चलत अनि सर और लोग वीडियो बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि हर दिन आ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हर दिन यही काम कर सकते हैं लेकिन हफ्ते में एक दिन तो इस प्रकार का काम के लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना हफ्ते में सिर्फ हफ्ते में एक दिन 1 घंटा निकाल सकते हैं तो 1 घंटा में ना जाने कितने जीवों को हम लोग बचा लेंगे और कितना खर्चा होगा मैक्सिमम 200 नहीं 300 300 नहीं 400 400 नहीं 500 उससे ज़्यादा थोड़ी खर्चा होगा उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा हफ्ते में तो इतना इस देश के सक्षम लोग कर ही सकते हैं एकदम ईमानदारी पूर्वक कुछ फल लेके कुछ बिस्किट लेके। और आपके पास अगर पैसा नहीं है मान लीजिए आप मेहनती मजदूर हैं देखिए ये मादा है अपने पेट में बच्चे को रखी है लो केला लाइए केला लाइए ना
वो क्या है? संतरा छीलना पड़ेगा, वो छील परेशान हो जाएगा सर। और ये बीआईबी हवेली पे बंदरों को खाना खिला रहे हैं मनीष कश्यप जी, और ये हमारे दोस्त हैं। तो कल पता चला मनीष भाई को कि हमारे ये सब हमारे दोस्त हुए सन। तो ये भी आए हैं, बहुत बंदर है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये पटना बगल में ही है, तो आप लोग भी आके यहाँ मिल सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं। अरे मुंह में खा ले पहले। ओकरा लगा था आज लगे वो खियाई ले नहीं खानू, तो घर लगा था कि ना खियाई या बका दो। देखिए और किसी भी प्रकार का नुकसान ये लोग नहीं पहुंचा रहे। आजा। तो प्यार से लेके अब जिसके गोद में बच्चा है ना, वो ज्यादा डर रहा है। क्यों? वो अपने बच्चे के, अपने बच्चे के लिए डर रहा है कि कहीं हम लोग उसको नुकसान ना पहुंचा दे। और जिसके गोद में बच्चा नहीं है वो नहीं डर रहा है उतना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हालांकि कुछ लोग परेशान भी रहते होंगे, ये बात सत्य है, कुछ लोग परेशान भी रहते होंगे। देखिए देखिए कैसे छीन रहा है, देखिए ले 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 और छीन लिया, ले ले पहले खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। देखिए ये प्यारा सा, ये देखिए, लो 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 लो, अरे अरे लो 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 लो, ले ले तुम खा लो, पहले उसको खा लो। और आप लोग जितने भी लोग हैं, मतलब कि मुझे पता है कि आप लोगों को नुकसान होता होगा, लेकिन इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलो नहीं खा रहा है संतरा, अभी पेट भरा है संतरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, आराम से आराम से लो, आराम से आराम से आराम से। नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, इसको दे दो, ये बच्चा है, इसको दे देते हैं, उसको दीजिए, वो मादा है, उनको उसको उसको। हाँ हाँ, और भी केला है क्या डायरेक्टर साहब? प्रोड्यूसर साहब, हम लोग का प्रोड्यूसर साहब है इधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लो ले लो। रुको, तुमको दिया है ना केला? दिया है कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं बताओ, दिया है कि नहीं? छोटा बच्चा कोई बदमाशी नहीं करता है, एक दो को छोड़ के मारो मत। उरले बा लेकिन चाहिए कर। देखिए मुंह ओरिजिनल बिहार के भाई। ये लो ये लो ये लो, मान लीजिए एक दो को फोटो ले लें तो अपना मोबाइल।